तो दोस्तों, अगर आपके पास भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और आप फ्लिपकार्ट से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट जो मिलने वाला 5% का कैशबैक होता है वो आपको कैसे मिलता है। दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट को लेकर काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी, बट उन वीडियोज़ में कमेंट आ रही थी, सर हमें ये बताइए कि आप 5% का जो कैशबैक होता है वो कैसे मिलता है और कब मिलता है और कब उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कैशबैक को लेकर। तो जानते हैं कि कैशबैक आपको कैसे मिलता है। देखो, सबसे पहले तो आपके पास जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए वो फ्लिपकार्ट का होना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं उस क्रेडिट कार्ड से, तो हर दोस्तों आपको शॉपिंग करने पर कोई भी प्रोडक्ट हो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। अभी देखो मैं आपको बता दूं, तो यहां पर दोस्तों यहां पर मैं जाता हूं फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। आप साइड में देखिए, स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखो मैं जाऊँ फ्लिपकार्ट पर, और फिर फ्लिपकार्ट पर जाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये JBL का माइक है, इस JBL वाले माइक पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद अभी मैं ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, बैंक ऑफर। देखो यहाँ पे लिखा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर, यानी आपको 85 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये दोस्तों आपको 5% का कैशबैक है। तो ये आपको कब रिसीव होगा वो मैं आपको बता दूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है ना दोस्तों, देखो ये जरूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट है, आप फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट लीजिए। अभी हम दूसरा प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, जैसे कि मैं बैग जाता हूँ, और बैग जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे ये मतलब कि नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे जो वॉच वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वॉच है, ये है 1499 रुपये की वॉच। आप नीचे जाओगे, नीचे जाने के बाद ऑल ऑफर्स एंड कूपन्स के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद देखो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नीचे ही होगा। सबसे नीचे जाके हम देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है देखो 5% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अभी मतलब इस पर भी 5% का कैशबैक है। अगर आप इस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से लेते हो तो 5% जो कैशबैक होगा ना वो आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मिलने के लिए जैसे कि दोस्तों हम यही ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वॉच बताई, तो बाय नाउ का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको दोस्तों जो पेमेंट करना है ना वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से करना है। मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो अभी दोस्तों जो जितने की भी वॉच आ रही थी उसका जो कैशबैक बन रहा था हमारा वो बन रहा था 75 रुपीज़ का, ठीक है। तो 75 रुपीज़ यहाँ पे कैशबैक मिलेगा, और यहाँ पे डिटेल्स भी लिखी है देखो, ठीक है। अभी दोस्तों ये 75 रुपीज़ कब मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ। अभी आप जो भी प्रोडक्ट लोगे, इस प्रोडक्ट लेने के बाद जैसे आप पेमेंट कर देते हो पूरा, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो, या मतलब कि डेबिट प्रीपेड कर देते हो, ठीक है, जो भी डेबिट कार्ड से या फिर किसी UPI से पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट मिलने के बाद देखो जो कैशबैक होता है ना, कैशबैक अलग होता है, और दोस्तों आपका जो कूपन होता है वो अलग चीज़ें होती हैं, ये सब होती हैं, ठीक है। जो कैशबैक होता है ना वो कैशबैक आपको इसमें से मतलब माइनस नहीं होता, पेमेंट आपको पूरा ही करना होगा, कैशबैक आपको बाद में मिलेगा, और उसको दोस्तों आप यहाँ पे मतलब कि पैसे के तौर पे ले नहीं सकते, वो आपको दोस्तों एप्लीकेशन में नहीं मिलेगी, वो दोस्तों आपको क्रेडिट कार्ड वाले जो लिमिट होगी ना उसमें से होगा। मैं सब आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या होगा। आप देखो जब भी प्रोडक्ट लेते हो, ये प्रोडक्ट आप लोगे, लेने के बाद दोस्तों आपको वो रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद जो दोस्तों उसकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है वो आपकी 7 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन की ऐसी होती है, जो भी है 15 दिन की है, जो भी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी है वो पॉलिसी खत्म होने के बाद, जैसे कि आपने आज प्रोडक्ट मंगवाया, आज है दोस्तों यहाँ पे 23 तारीख को प्रोडक्ट मंगवाया, 25 तारीख को आपको प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, 25 तारीख को प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद आपके जो दोस्तों 5 से 7 दिन की है, 7 दिन बाद दोस्तों आपको जो मतलब कि जो कैशबैक है ना वो रिसीव होगा। अभी वो कैशबैक कैसे रिसीव होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि कैशबैक मिला है कि नहीं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों आपका दोस्तों जैसे कि आपने इस डेट को, जैसे कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है वो हर महीने की 12 तारीख को जनरेट होता है, ठीक है। अभी 12 तारीख को जैसे इस महीने की 12 तारीख निकल गई है ना, आज है दोस्तों यहाँ पे 23 जनवरी, तो अभी मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज करूँगा उस पर जो कैशबैक मिलेगा ना वो नेक्स्ट, और वो दोस्तों कैशबैक मिलेगा, अगर वो कैशबैक दोस्तों रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी इसी महीने में ख़त्म हो जाती है 12 तारीख के पहले, नेक्स्ट 12 तारीख के पहले बिल जनरेट होने के पहले मिल जाता है मुझे कैशबैक, तो दोस्तों वो आपको बिल शो मतलब कि वो बिल में शो होगा कि आपको इस प्रोडक्ट पे ये कैशबैक मिला है। जो आपका बिल आएगा ना, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और देन दोस्तों जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, यानी दोस्तों मेरा बिल है, मैं बिल को ओपन करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे कूपन मतलब ये मांग रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं एंटर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने ये ओपन कर लिया,
ओपन करने के बाद दोस्तों जो कैशबैक मिलेगा ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैशबैक कहाँ पे मिलता है। ये देखो यहाँ पे जो कैशबैक शो होगा वो यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे जो मैंने ट्रांजैक्शन करे थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अभी दोस्तों। वो आपका जो कैशबैक शो होगा ना वो यहीं पे शो होगा, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे किस किस प्रोडक्ट को, कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया इस क्रेडिट कार्ड से जिस पे आपको कैशबैक रिसीव हुआ है। अभी दोस्तों जो कैशबैक रिसीव होगा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैशबैक आपको हर महीने का जो बिल जनरेट होता है ना, बिल जनरेट होने के पहले आपने कोई प्रोडक्ट लिया है और उसकी रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी खत्म हो गई है और आपको दोस्तों यहाँ पे पहले ही वो मिल गया बिल जनरेट होने के पहले, तो दोस्तों आपको कैशबैक होगा ना वो बिल में ऐड होके आएगा। ठीक है, वो दोस्तों आपका शो होगा इस लिमिट में, जो आपको लिमिट दिख रही है ना 15,000, ये मेरी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की। तो दोस्तों जो कैशबैक होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपको परचेस करना होगा, मतलब कोई भी आप नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेस करोगे उसमें दोस्तों आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो देखो आपकी जो लिमिट है ना वो 15,000, अगर आपको दोस्तों 150 रुपये का कैशबैक मिला तो आपकी 15,150 यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। आपको दोस्तों ज़्यादा मिला, 300 रुपये मिला तो 15,300 आपकी लिमिट हो जाएगी। उस लिमिट को दोस्तों आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आप यूज करोगे वैसे दोस्तों आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कैशबैक रिसीव होता है, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी। और बाकी का दोस्तों ये नहीं है कि कैशबैक आप उसको निकाल सको, कहीं ट्रांसफर कर सको, नहीं, आपके क्रेडिट कार्ड में ही वो दोस्तों शो होगी और उसको आप नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेस करने में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप पूरी प्रोसेस समझ पाएंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट वगैरह है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते हैं। पसंद आए तो लाइक करना और इसी तरह की नॉलेज वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस आजकल नहीं मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।